2024 की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए 2000 अभी जान रहे कि देश जो है जो राजनीति के निर्णायक मोड़ पर है, भाजपा के द्वारा अघोषित रूप से जो लाया गया है, तनाशाही की सरकार है, आपातकाल की स्थिति लाया गया, तो जो आज लोकतंत्र जो लहूलुहान है, जो संविधान के संघीय ढांचे हैं उसको नष्ट किया जा रहा है, जो बाबा साहब ने दिया वो सभी, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो मजाक बन के रह गए, तो सारी चीज़ को देखने के लिए, और जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विपक्षी एकता का जो बैठक हुआ 23 जून को, उसको लेके भाजपा जो है हताश से बेचैन है। अभी जो भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं, भाजपा जो है सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है, लोगों को भटकाने का काम करती है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा नेता जो है हमेशा बिहार जो है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। विपक्षी एकता को लेकर माननीय नीतीश कुमार जी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या माना जा सकता है कि विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी हो सकते हैं? नहीं, ये में कहीं दो मत नहीं कि हमारे नेता पीएम मटेरियल है, लेकिन ये सवाल नहीं। सवाल यह है कि जो भाजपा मुक्त सरकार बनाना है केंद्र में, तो भाजपा हटाना है, देश को बचाना है, जो आज लोकतंत्र जो है जो खतरे में है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है देश का वो खतरे में, तो इसको लेके हमारे नेता ने संकल्प लिया है। हमारे नेता के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि पूरे देश के दिग्गज नेता जो है 23 तारीख को आए थे, और सब लोग ने एकजुट से एक स्वर में कहा कि हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हटाएंगे। तो सवाल है कि भाजपा हटाना है और देश को बचाना है। अभी पटना में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हुई है, उसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है, प्रशासन पे आरोप लग रहे हैं कि लाठी डंडे से पिटाई करके उनकी हत्या की गई है, क्या कहना है? ये तो आप लोग का है एजेंडा है, मीडिया का और भाजपा वाला एजेंडा जो है अभी मीडिया साथी चला रहे हैं। ये आप कहीं हैं, आप लोग के पास कोई सब वीडियो फुटेज कि कार्यकर्ताओं का मौत वहाँ हुआ है, लाठी जहाँ चल रही थी? नहीं, किसी को लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात तो रखने का, लेकिन अपने हाथों में कानून लेने का अधिकार किसी को नहीं। ये जो है प्रशासन देख रही है, प्रशासन उस पर काम कर रही है, सरकार भी संवेदनशील है, उसको देख रही है। बीजेपी के कई विधायक चोटिल हुए हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस दे दनादन पटना के डाक बंगला चौराहे पे। कोई काम है क्या बीजेपी के लोगों के पास, नेता के पास? वो तो अराजकता फैलाने के काम कर रहा है। कोई मुद्दा है क्या शिक्षक के लिए? कोई टीचर थे क्या? क्या माहौल बना के क्या संदेश देना चाहते देश को? अब देखिए क्या चाहते हैं आप। ये कानून का राज है और सुशासन की राज है, इसमें प्रशासन अपनी काम कर रही है, लेकिन आपको देखना होगा ना जो अराजकता फैला रहे हैं उसको देखिए। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जंगल राज देखा गया है। जंगल राज आप लोग जो है कुछ नहीं काम है मीडिया के साथी, और जो लोग जो बोल रहे हैं ये सुशासन की है, सरकार है, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन चल रही है, और सरकार महागठबंधन की सरकार चल रही है, और विपक्षी एकता जो देख रहे हैं 17 पार्टी एक साथ खड़े हैं, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, इसलिए हताश है भाजपा और इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनके नेता की जो है पटना से लेकर दिल्ली तक के नेता हैं, उनके पेट में बेचैनी हो गई, नींद हराम हो गया, इसके लिए बेचैनी। आपने कहा पीएम मटेरियल है नीतीश जी, तो क्या पीएम उम्मीदवार विपक्ष की ओर से हो सकते हैं? अरे अभी सवाल पीएम का नहीं है, अभी सवाल है संविधान को बचाने का, जो खतरा है, जो गौरवशाली इतिहास है जिसको बदला जा रहा है, जो आपका जो है ये चौथा स्तंभ है, आप लोग को जो कब्जा में कर लिया गया, इस सब चीज़ को बचाने का, आपको स्वतंत्रता लाने का, इसके लिए सवाल है। विपक्षी एकता में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो रही है, मांझी जी बैकफुट पे आ गए हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए जो नेता गए हैं उनकी क्या वजूद है वो तो बाद में मैंने चलता ही होगा पता, कुछ नेता पहले भी गए हैं हमारे यहाँ से, जिनको हमारे नेता ने सम्मान देने का काम किया, नहीं पहचान दिलाने का काम किया, उनके निर्माण में हमारे नेता का भूमिका है, उनकी क्या दुर्दशा है, कभी हर्ष पर तो कभी परस्पर।
क्या ओवैसी को लेकर क्या सोचती है जदयू, जिस तरह से विपक्षी एकता की बात होती है तो कहीं ना कहीं ओवैसी भी विपक्ष में खड़े होते हैं। ओवैसी का कोई अब जनता जान गई कि बीजेपी के सेकंड एजेंट है, तो बीजेपी का एजेंट है बीजेपी के, तो ये जनता समझ चुकी है। अब ऐसा गलती करने वाली नहीं जनता, जनता अब देश की जनता जो है समझ गई है कि क्या है उनको, क्या फैसला लेना है 24 में, ये समझ चुकी है।